हेलो गाइस लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर वाटर अप्रीशियस नेचुरल रिसोर्स ठीक है तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए औरल क्वेश्चन फर्स्ट इज वाई डज द अर्थ अपीयर ब्लू फ्रॉम द स्पेस अगर हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो हमें वो ब्लू क्यों दिखती है आंसर दिस इज बिकॉज अबाउट सेवेंटी वन परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर क्योंकि मोस्ट ऑफ द सरफेस जो है अर्थ uh, की वो वाटर से कवर्ड है दैट्स वाई इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस सेकेंड वाई इज मोस्ट ऑफ द वॉटर प्रजेंट ऑन द अर्थ अनफिट फॉर द ह्यूमन कंज्शन अब जो इतने सारे पानी की बात हो रही है कि इतना सादा वाटर है अर्थ पे बट मोस्ट ऑफ द वाटर ह्यूमन क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते क्या रीज़न है बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन सी एंड ओशन क्योंकि ज़्यादातर जो परसेंटेज है वाटर की वो समुद्रों में है सी और ओशन में है दिस वाटर इज सॉल्टी और सेलाइन विच कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली और ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है और ह्यूम जो है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते एंड देर फॉज इज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन थर्ड वेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड वाई इज़ इट सेलिब्रेटेड जो वर्ल्ड वाटर डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करते हैं वर्ल्ड वाटर डे जो होता है वो ट्वेंटी सेकेंड मार्च को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इन असेसिबिलिटी ऑफ वाटर फॉर अबाउट टू पॉइंट टू मिलियन पीपल तो लोगों को इससे अवेयर किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे पे कि टू पॉइंट टू मिलियन लगभग पीपल हैं जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी राइट तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड वाटर डे जो है एवरी ईयर ट्वेंटी सेकेंड मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नाउ स्टार्ट साइंस क्विज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन वाटर टेबल वाटर टेबल क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर का अपर लेवल होता है दैट इज़ अ वाटर टेबल तो अगर रेनफॉल होती है रेनफॉल का क्या इफेक्ट होता है वाटर टेबल पे इफ द रेनफॉल इज लेस अगर रेनफॉल कम होगी ओनली लेस अमाउंट ऑफ द वाटर विल सीप इन टू द ग्राउंड एंड द वाटर टेबल फॉल डाउन तो कम जो पानी है वो बारिश का वो नीचे की तरफ जाएगा सीप होकर तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो जाएगा वाटर टेबल भी नीचे गिर जाएगा इफ़ द रेनफॉल इज़ गुड देन द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर विल सीप इन टू द ग्राउंड एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर टेबल और अगर बारिश का पानी ज़्यादा होगा बारिश अच्छी होगी तो ज़्यादा पानी नीचे जाएगा और ग्राउंड uh, वाटर uh, बढ़ जाएगा और उसका वाटर टेबल का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा सेकेंड इज़ विच टाइप ऑफ इरीगेशन प्रैक्टिस कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इरिगेशन होता है बड़े बड़े जो खेत होते हैं फार्मर्स जो होते हैं वो क्रॉप्स को पानी देते हैं तो किस तरीके का इरिगेशन दिया जाए जिससे पानी भी बच जाए और इरिगेट भी हो जाए सो आंसर इज ड्रिप इरिगेशन थर्ड नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जो पानी होता है जैसे बारिश का पानी है वो धीरे धीरे सीप होकर नीचे चला जाता है ग्राउंड में आंसर इज इनफिल्ट्रेशन वर्कशीट टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है नियरली सेवेंटी वन परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद जो 71% वन परसेंट अर्थ की सरफेस है वो नियरली किस से कवर्ड है वाटर से कवर्ड है सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज नॉट यूजेबल कौन सा पानी यूज का नहीं है सी वाटर सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर और वेल वाटर आंसर इज सी वाटर अभी हमने पढ़ा है बिकॉज इट इज साल्टी थर्ड द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड जो ग्राउंड वाटर का अपर लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं वाटर टेबल ठीक है फोर्थ स्टेप वेल इज ऑल्सो कॉल्ड जो स्टेप वेल्स होते हैं जैसे यहाँ पे तो वेल well है और यहाँ पे स्टेप्स बनी हुई हैं ठीक है ठेके? इस तरीके से तो उसको क्या बोलते हैं बावरी बोलते हैं करेक्ट चलो फिल इन द ब्लैंक्स स्नो एंड आइस आर डैश फॉर्म ऑफ वाटर वाटर के कितने फॉर्म होते हैं तीन सॉलिड लिक्विड गैस तो इसमें से स्नो और आइस क्या है सॉलिड फॉर्म ऑफ गैस है ठीक है सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन टू द ग्राउंड इज कॉल्ड अभी पढ़ा था इन फिल्ट्रेशन जो सीप करता है वाटर में ग्राउंड को उस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन मतलब इनफिल्ट्रेट होकर नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है थर्ड कटिंग डाउन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री एट अ प्लेस एक ही प्लेस पे बहुत सारे ट्रीज को कट करने को क्या बोलते हैं डी फॉरेस्टेशन ठीक है फोर्थ डैश इज अ स्टेप वेल इन विच द रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर तो रेन वाटर कलेक्ट और स्टोर होता है बावरीज में बावरी में ठीक है नाउ कम टू द एमसी क्यूज सेक्शन बी फर्स्ट इज द वाटर प्रेजेंट इन ओशन इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज अब जो ओशन में पानी है वो अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए क्यों बिकॉज इट इज़ फ्रोजन पोल्यूट शुगरी और सॉल्टी आंसर इज सॉल्टी सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू चेक द फ्लड किस तरीके से हम बाढ़ को रोक सकते हैं डैम्स बना के एम्बैंकमेंट्स बना के रिजर्वायर बना के और ऑल ऑफ दिस तो ये सारे ही तरीके हैं जिससे हम फ्लड को आने से रोक सकते हैं इसमें एक थर्ड एम सी क्यू है जो मेरे से मिस हो गया लिखना तो उसमें क्वेश्चन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्राउंड वाटर एज एट सोर्स ग्राउंड वाटर का सोर्स कौन सा है ट्यूबवेल वेल हैंडप वेल और ऑल ऑफ दिस तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस तो आप प्लीज नोट कर लेना ठीक है नाउ कम टू द सेक्शन बी दैट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट इज नेम बताना है आपको सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर वाटर का सॉलिड फॉर्म कौन कौन सा होता है आइस स्नो गैसेज फॉर्म ऑफ वाटर वाटर वेपर्स होते हैं सेकेंड वट इज़ मैंट बाय वाटर टेबल वाटर टेबल का क्या मतलब है द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर का अपर लेवल होता है उसको बोलते हैं वाटर टेबल थर्ड वट इज़ द मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे फॉर वेरियस बेसिक नीड एक पर्सन की हर दिन जो बेसिक नीड्स होती है उसमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज अ फिफ्टी लीटर पर पर्सन पर डे इतना ज़्यादा पानी यूज़ करता है एक पर्सन नाव शॉर्ट क्वेश्चन टाइप वन क्वेश्चन वट हैपन्स टू दाटर टेबल ड्यूरिंग वाटर टेबल पे क्या इफेक्ट करता है ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो आप बता सकते हो दैट द वाटर टेबल राइज वाटर टेबल बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा पानी अंदर जाता है ग्राउंड लेवल पर है ना ओके नाओ ड्रॉट के टाइम पर जब सूखा होता है सूखा कब होगा जब बारिश नहीं होगी तो वाटर टेबल क्या हो जाता है फॉल हो जाता है नीचे गिर जाता है सेकेंड वट इज़ मैंट बाय रेन वाटर हारवेस्टिंग रेन वाटर हारवेस्टिंग का क्या मतलब है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्राम रूफ एंड स्ट्रीट कार्नर्स एंड स्टोरिंग इट फॉर द लेटर यूज इज़ कॉल द रेन वाटर हारवेस्टिंग मतलब रेन वाटर को हम बचा रहे हैं वो पानी जो कि हमारी छतों पर इकट्ठा होता है या स्ट्रीट्स के कॉर्नर पर इकट्ठा होता है उसको कलेक्ट करके स्टोर कर लेना और उसको बाद में यूज करना इज़ कॉल द रेन वाटर हारवेस्टिंग थर्ड इज व्हाट इज मेंट बाय ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छा मेथड है वाटर कंजर्वेशन का ड्यूरिंग इरिगेशन तो उसका मतलब क्या है ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय नैरो ट्यूब्स विद अ स्मॉल होल्स विच डिलीवर वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली अराउंड द रूट्स तो ड्रिप इरीगेशन में क्या होती है बहुत नैरो ट्यूब्स होती हैं जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं ठीक है थीके? तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ से पानी आता रहता है डायरेक्टली रूट्स को जाता रहता है तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता बाइडर पीगेशन वेस्टेज ऑफ वाटर इज अवॉइडेड शॉर्ट आंसर टाइप टू क्वेश्चन वट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर ऑफ द नेचुरल रिसोर्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज कि जो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम पानी को क्या करते हैं प्योरीफाई करते हैं ताकि हम उसको पी पाए तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन एरेशन एंड द क्लोरिनेशन कौन कौन से हैं सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन क्लोरिनेशन आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर ऑफ नैचुरल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग पर्पजिस नाउ क्वेश्चन नंबर टू हाउ कैन यू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर एट होम आप घर पर किस तरीके से बहुत कम वेस्ट कर सकते हो वाटर को या फिर जितनी वेस्टेज होती है उसको कम से कम कर सकते हो फ्यू थिंग्स दैट वी कैन ड्यू फॉर मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर ऐट होम आर एज फॉलोज फर्स्ट डोंट कीप टैप ओपन वाइल ब्रशिंग वॉशिंग हैंड्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स आप टैप को बंद करके रख सकते हो जब आप ब्रश कर रहे हो हैंड्स को वॉश कर सकते हो है ना और मतलब कंटिन्यूसली नहीं खोल के रखना एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स सेकेंड यूज़ अ बकेट एंड अ मग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ शावर फॉर अ बाथ मग और बकेट की जगह पे आप यूज करो इसकी जगह पे शावरिंग मतलब डायरेक्ट शावर से नहाने में थर्ड रिपेयर लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स की टाइमली आप अगर कोई पाइप और टैप लीक हो रही है तो उसको रिपेयर करवा लो फोर्थ क्लीन व्हीकल विद अ वेट क्लॉथ इंस्टेड ऑफ वॉशिंग विद रनिंग वाटर कि जो आपका व्हीकल है उसको डायरेक्ट पाइप से धोने से बेटर है कि उसको आप गीले कपड़े से वॉश करो ठीक है क्लीन करो थर्ड लिस्ट द वेरियस वे फॉर प्रॉपर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर क्या इस तरीके से आप पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो द स्टेप्स फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर आर एज गिवन बिलो फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर को आप बचा कर रख लो स्टोर करके रख लो सेकेंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर जो अभी हमने पढ़ा कि वेस्टेज ऑफ वाटर को मिनिमम कर लो री यूज ऑफ वाटर वाटर को आप री यूज़ कर सकते हो जैसे ए सी का पानी है उसको यूज़ कर सकते हो रिवाइवल बा, ऑफ बावरीज की जो बावरीज हैं उसको क्लीन अप करी जाए मैनेज किया जाए ड्रिप इरीगेशन से एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इस तरीके से आप वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो फोर्थ इज़ नितिका स्टडीज इन क्लास सेवन वन डे शी स्टडीड अबाउट द वॉटर इन हर साइंस क्लास शी कम होम कॉल्ड हर फ्रेंड्स प्रिपेयर पैम्फलेट्स ऑन द टिप्स टू सेव वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन हर कॉलोनी जो नितिका है वो क्लास सेवन में पढ़ती है उसने जब क्लास में पढ़ा अबाउट द वॉटर इन अ साइंस क्लास तो वो घर आई उसने फ्रेंड्स के साथ पैम्फलेट्स प्रिपेयर करे और उसमें क्या लिखा किस तरीके से वाटर को सेव किया जाता है और अपनी कॉलोनी में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो वाले पैम्फलेट तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई डू यू थिंक सेविंग वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस तो आप इससे क्या समझते हो कि वाटर को सेव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है आंसर इज़ वाटर इज़ इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ नंबर वन चीज़ लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए पानी की ज़रूरत होती है इट कैरीज़ फंक्शन विच आर नॉट पॉसिबल विदाउट द वाटर दैट आर एज फॉलोज और वो ऐसे ऐसे फंक्शंस को कैरी करता है जो बिना पानी के पॉसिबल ही नहीं है नंबर वन डाइजेशन करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट ये हमने चैप्टर वन सेकेंड में पढ़ा था और पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना एंड एक्सक्रीशन रिक्वायर्ड वाटर तो पूरा का पूरा बॉडी में जो भी चलता है डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन इसमें वाटर की जरूरत पड़ती है सेकेंड वाटर हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ आर बॉडी बाय स्वेटिंग बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है स्वेटिंग से क्या होता है जो आ, हमारा स्वेट निकलता है वो वेपर बनता है तो जब वो वेपर बनता है तो वो स्टेट चेंज होती है ना लिक्विड टू गैस तो उससे एनर्जी यूज होती है तो एनर्जी हमारी बॉडी से जाती है एज अ हीट एनर्जी तो हीट लॉस होता है तो हमारी बॉडी कैसी हो, हो जाती है ठंडी हो जाती है सो वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ़ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग थर्ड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेली रूटीन एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग कुकिंग एंड क्लीनिंग यूटेंसिलस डेली रूटीन के कामों में भी काम आता है वाटर फोर्थ इट इज़ यूजफुल इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेविगेशन एंड इरीगेशन है ना क्या जनरेट करने के लिए हेल्प होता है इलेक्ट्रिसिटी नेविगेट करने के लिए मतलब समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरे जगह से जाने के लिए एंड द इरीगेशन और हमारे क्रॉप्स को पानी देने के लिए भी यूज होता है फिफ्थ वाटर एक्ट एज अ हैबिटेट फॉर द सम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बहुत इंपॉर्टेंट कि पानी में बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स भी रहते हैं जो उनका घर है सिक्स्थ वाटर हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और सीड्स के जर्मिनेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट मेक्स वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बी क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम नितिका नितिका से हमने क्या सीखा वी शुड सेव आवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स दैट इज अ वाटर कि हमें अपना नेचुरल रिसोर्स को सेव करके रखना चाहिए जो कि क्या है वॉटर है ठीक है नाउ कम टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फर्स्ट एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच डिप्लीट द वॉटर टेबल एट अ प्लेस किब जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट होना मतलब कम हो जाता है ठीक है किसी जगह की बात हो रही है एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है कि, कि किसी प्लेस पर एट अ प्लेस कब जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो जाता है सो so फर्स्ट होता है जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है इंक्रीज पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर हैज़ बिन इंक्रीज पॉपुलेशन बढ़ गई रिक्वायरमेंट बढ़ गई बाय द इंक्रीज पॉपुलेशन एज द नंबर ऑफ ह्यूमन इंक्रीज़ द कंजप्शन ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज़ तो क्या हुआ जब ह्यूमन्स बढ़ गए तो कंजप्शन ऑफ वाटर बढ़ गया पॉपुलेशन बढ़ गई तो उससे वाटर लेवल कम हो जाएगा वाटर टेबल का इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सो एज नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड द इंडस्ट्रीज़ नीड वाटर देयर फॉर इंक्रीज इज द कंजप्शन ऑफ वाटर इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं नीड बढ़ रही है इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बढ़ रहा है, है तो जिससे कंजप्शन ऑफ वाटर भी इंक्रीज हो, हो रहा है वाटर टेबल रिड्यूज़ हो रहा है थर्ड इज इंक्रीज़ इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कब बढ़ेंगी विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ फूड हैज़ इंक्रीज पॉपुलेशन बढ़ गई फूड की डिमांड बढ़ गई फार्मर यूज़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर डिगिंग डीप ट्यूबवेल्स वैसे तो वो क्या होते हैं कि बारिश पे डिपेंड होते हैं पर डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उनको डीप जो ट्यूबवेल्स है उनको डेग करके पानी ग्राउंड वाटर से निकालना पड़ता है फॉर देयर क्रॉप्स एंड दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल फोर्थ इज डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज लीड्स टू द फेलियर ऑफ सॉइल टू होल्ड मॉइस्चर जब क्या होता है कोई ट्री होता है ना तो उसकी जो रूट्स होती हैं वाटर को पकड़ के रखती है लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो गया बहुत बड़े लेवल पर ट्रीज को काट दिया गया तो क्या होते हैं जो सॉयल होती है वो मॉइस्चर को होल्ड करके नहीं रख पाती एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है तो पानी आगे बढ़ जाता है वाटर जस्ट रन ऑफ एंड कॉजिज आर रिड्यूज लेवल ऑफ वाटर टेबल फिफ्थ डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया ऑफ सीप ऑफ वाटर अब पानी है लेकिन सीप होने की जगह नहीं है वो क्यों नहीं है डिक्रीजिज द ओपन एरिया लाइक द पार्क एंड अदर ओपन स्पेसिस जो मिट्टी वाली जगह होती है पार्क होती है ओपन स्पेसिस वो तो कम हो गए हैं एंड इंक्रीजेज इन द सीमेंटेड फ्लोर और सीमेंटेड फ्लोर ज़्यादा हो गए हैं ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज शॉप्स ऑफिस काजेज स्टॉपेज ऑफ वाटर टू सीप इन द ग्राउंड ईजिली ताकि और इनकी वजह से क्या होता है कि पानी जो होता है वो ईजिली नीचे की तरफ सीप नहीं कर पाता तो ग्राउंड लेवल जो का जो वाटर है जो वाटर टेबल है वो कैसे ही इंक्रीज होगा सिक्सथ स्केंटी रेनफॉल वैन देर इज़ अ स्केंटी रेनफॉल लेस वाटर सीप्स इन टू द ग्राउंड जब पानी ही कम आया बारिश ही कम हुई तो बहुत कम पानी ही जाएगा वैसे ही इतने सारे रीजनस हैं और ऊपर से बारिश कम हो रही है तो देर विल बी अ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल ठीक है सो ऑल दीज रीजन्स आर देर सेकेंड इज डिस्क्राइब द मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द इंडिविजुअल लेवल हाउस होल्ड लेवल की हाउस होल्ड लेवल पर कोई पर्सन एक सिंगल पर्सन किस तरीके से मिसमैनेजमेंट कर सकता है वाटर का फर्स्ट लिविंग टैप ओपन वाइल ब्रशिंग एटसेट्रा की जब वो ब्रश कर रहे हैं तो उसने टैप को ओपन छोड़ दिया सेकेंड यूजिंग एक्सेसिव वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और डिशेज कि जब वो बर्तन धो रहे हैं तो उसने बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया है थर्ड नॉट रिपेयरिंग लीकिंग टैप्स ऑन टाइम जब पा टैप्स जो रही हैं वो लीक हो रही हैं लेकिन उसको रिपेयर नहीं कराया फोर्थ वेस्टिंग वाटर वाइल बाथिंग और वॉशिंग हेयर कि जो हेयर वॉश कर रहा है या नहा रहा है तो भी उसने बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया फिफ्थ यूज सो मच वाटर ड्यूरिंग वॉश ऑफ व्हीकल जब व्हीकल वॉश हो रहा है तभी भी, भी बहुत ज़्यादा पानी यूज कर दिया तो ये मिसमैनेजमेंट है इंडिविजुअल लेवल पे जहाँ पे वाटर का वेस्टेज हो रहा है नाउ विल डू हॉट्स दैट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन फर्स्ट इज वाई इज मेकिंग ऑफ़ ट्यूबवेल्स प्रोहिबिटेड इन द रेजिडेंशियल एरिया कि जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पे घर होते हैं वहाँ पे ट्यूबवेल्स को क्यों प्रोहिबिटेड किया जाता है मतलब क्यों नहीं बनाने के लिए दिया जाता ट्यूबवेल इन ट्यूबवेल लॉन्ग पाइप इज़ बोर डीप इन द दॉयल ट्यूबवेल में क्या होता है बहुत लंबी पाइप सॉयल के अंदर डिग की जाती बोर की जाती है इट लिफ्ट अप लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर और उसका जो मुंह होता है ना मतलब माउथ ओपनिंग होती है वो भी बहुत बड़ी होती है तो ये क्या करती है ट्यूब भी बहुत बड़ी होती है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है इरिगेशन के लिए बाहर निकालती है बट इन मैनी रेजिडेंशियल एरिया ट्यूबवेल आर प्रोहिबिटेड बट जो रेजिडेंशियल एरिया होता है वहाँ पर ट्यूबवेल को मना किया जाता है वहाँ पे अलाउ नहीं होता कि आप ट्यूबवेल लगाएं बिकॉज इट लूज द दॉयल लेयर्स एक तो इतना बड़ा डीप होता है डिगिंग होती है तो सॉयल जो होती है लेयर्स होती है वो भी लूज हो जाती हैं एंड सबसाइड द लैंड लैंड को भी हिला देती है इट ऑल्सो लोअर्स द वाटर टेबल और जब इतना ज़्यादा पानी बाहर निकलता है तो वाटर टेबल भी लो हो जाता है एंड दस रेजिडेंट्स विल फील डिफ़िकल्टी इन सप्लाई ऑफ वाटर तो जो रेजिडेंट्स हैं उनको क्या नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा दैट इज़ वाई मेकिंग ऑफ ट्यूब वेल्स प्रोहबिटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज इसलिए ट्यूब वेल्स जो होते हैं उनको मना किया जाता है कि रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं लगाने ठीक है सेकेंड इज़ वाई इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अन ईवन इन आर कंट्री कि हमारी जो कंट्री है उसमें वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इतना क्यों है क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट भी है यहाँ पे ओशंस भी हैं है ना तो ऐसा क्यों है अन ईवन क्यों है कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है कहीं पर बहुत कम होती है सो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज अन ईवन ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्यों अन ईवन है क्योंकि जियोग्राफिकल रीजनज हैं मेट्रोलॉजिकल रीजनज हैं एंड द ओशनिक फैक्टर्स है ये तीन रीजन होते हैं जिसकी वजह से और इन तीनों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो अन ईवन है थर्ड एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर कि जब डीफॉरेस्टेशन करते हैं फॉरेस्ट को हटाते हैं तो डिप्लिशन ऑफ वाटर ग्राउंड लेवल का कैसे होता है द कटिंग डाउन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कॉजेज़ फेलियर टू सॉइल होल्ड मॉइस्चर यह भी पढ़ा था कि जब ट्रीज़ को काट देते हैं तो जो सॉयल uh, होती है वो मॉइस्चर को होल्ड करके नहीं रख पाती द वॉटर जस्ट रैन ऑफ वाटर आगे चला जाता है ऑन द ग्राउंड सरफेस ऊपर ऊपर से बह जाता है एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर कैट सीप काजेज़ डिप्लीशन ऑफ वाटर तो बहुत कम पानी जो होता है वो सीप होकर ग्राउंड में जा पाता है जिससे डिप्लीशन हो जाता है ठीक है ग्राउंड वाटर का कमी हो जाती है सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू